द कश्मीर फाइल्स पर बयान देने के बाद बुरी तरह से फंस चुके हैं आईएएस ऑफिसर नियाज अहमद, जिन्होंने अपने 5 सबसे ज्यादा विवादित बयान दिए। दरअसल मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर नियाज खान ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर अपनी ट्वीट के चलते मुसीबत में आ गए। शिवराज सरकार ने नियाज खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन निर्माण विभाग के उप सचिव के रूप में कार्यकर्ता नियाज खान इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं। कभी अंडरवर्ल्ड लोगों को लेकर, तो कभी अपनी लवर को लेकर, तो कभी किताब लिखने की इजाजत सरकार से मांग कर, तो कभी NRC को लेकर PM से अजीब गरीब अपील करते हुए वो अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं। दरअसल द कश्मीर फाइल्स पर क्या बयान उन्होंने दिया है, तो आपको बता दें कि 2015 बैच के IAS ऑफिसर नियाज खान ने पिछले हफ्ते ट्वीट कर द कश्मीर फाइल्स के मेकर से कहा था कि भारत ने कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, उन्हें दिखाने के लिए एक फिल्म बनानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुसलमान कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि इंसान हैं और देश के नागरिक। नियाज खान ने द कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री से फिल्म से होने वाली पूरी कमाई दान करने की भी अपील की। नियाज खान ने कहा है कि ये महान दान होगा और कश्मीरी पंडितों के बच्चों की शिक्षा और उनके लिए कश्मीर में घरों के निर्माण के लिए काम आएगा। ये पहला मौका नहीं है जब नियाज खान विवादों में आए, इससे पहले भी वो कई मौकों पर विभागीय तरीके से अपने बयानों के चलते सोशल मीडिया पर चर्चा में आए। तो ये है पूरी खबर। यहाँ पर द कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी देने वाले IAS नियाज अहमद को लेकर, जिन्होंने किस तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया और किस तरीके से यहाँ पर की बयानबाजी, और अपनी इसी बयानबाजी के चलते वो बुरी तरह से अब फंस चुके हैं। नेक्स्ट मैं लाइव की रिपोर्ट।